من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर है वो हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बिफोर एग्जाम की वजह से आपको मैं पॉइंट्स जो है ना वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो तो हम जो है वो देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस ओवरव्यू। शुरू ही हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम जरा फिजिकल की बात करेंगे, मैं आपको उसमें कुछ जरूरी चीजें जो है ना वो भी बता दूंगा ताकि आप फिर एग्जाम के लिए उस हिसाब से तैयारी करें। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है ना आप ये देखिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट जी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है चैप्टर है जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके पास आती है ना वो है आपकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिंसिपल शेल नंबर कौन सा है जी, तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद जो है वो आयनाइजेशन एनर्जीज आती है, क्या आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। फिर वो पूछता है आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट क्या क्या चीजें करती हैं। फिर वो अक्सर ग्राफ दे के ये पूछ लेता है कि ग्रुप 5 और ग्रुप 6 की जो आयनाइजेशन एनर्जीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड अक्रॉस द ग्रुप, ये चीजें पूछ लेता है। और उसके बाद वो ऑर्बिटल्स में अगर आप आए तो उसमें आप वो sp d और f ऑर्बिटल्स की या तो वो शेप्स बनाने को कह देता है या वो पूछ लेता है उनके रिलेटेड थोड़ा सा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके अलावा जो है वो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई और क्वेश्चन आता है तो वो एटॉमिक या आयोनिक रेडियस से आ जाता है कि भाई साइज ऑफ एटम जो है वो किन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोर्ड, डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आता है तो वो एटॉमिक एनर्जी से इतने एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतने नहीं आते। उसके अलावा अगर कोई होगा तो उसमें फिर ये होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की अक्सर वो इक्वेशन पूछने को दे देता है, ठीक है। फिर जो दूसरा चैप्टर है वो एटम्स, मॉलिक्यूल एंड स्टोइकोमेट्री, मोल वगैरह, ठीक है। मोल्स में बेटा ये होता है कि मोल्स तो आप पहले वो पेपर में अक्सर मोस्टली दे देता है और वो आते भी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अब जो है ना वो लेटली पेपर 1, 2, 4 में इतने ज्यादा मोल्स वगैरह नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन आ जाएगा हार्डली, ठीक है। बट आते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है वो, और वो ओ लेवल वाले ही मोल्स है, उसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। सो आपको ऑलरेडी वो आते हैं, ठीक है। और पेपर 3 में और पेपर 5 में जो है ना वो मोल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पेपर 3 और पेपर 5 के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 में भी मोल्स पूछ सकते हैं, बट मोस्टली पेपर 4 में नहीं पूछता, पेपर 1 और पेपर 2 में ज्यादा आते हैं। उसके बाद जो है वो केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बॉन्डिंग में क्या होता है यार, वो टाइप्स पूछ लेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स पूछ लेगा कि भाई आयनिक बॉन्डिंग हो कैसे, इस एलिमेंट इसमें इस कंपाउंड में हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। कोवेलेंट की पूछ लेगा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनवा लेगा, ठीक है। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ लेगा, डेटिव बॉन्ड की एग्जाम्पल पूछ लेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ अगर आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पूछ सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो इसके अलावा जो वेस्पर थ्योरी थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वो भी पूछ सकता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके स्ट्रक्चर्स और उसके जो हैं आपके स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उसकी कौन शेप्स, एंगल्स, प्लेनर है, नॉन प्लेनर, वो वाली चीजें पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वो यूजली बहुत काम ही आता है, इतना नहीं आया। उसके अलावा जो सेकेंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्डिंग में से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, IDID, PDPD, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत कॉमन है, ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं। फिर सिग्मा पाई बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बॉन्डिंग में वो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत आती है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो पूरे 5 के 5 पेपर्स में वो, तो पूरे पेपर थ्योरी के दोनों पेपर्स, पेपर 2 और पेपर 4 दोनों में वो पूछ लेता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
उसके अलावा जो अगला चैप्टर है वो स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास, और वो एक जो है वो है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, कि भाई वो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हमने पॉइंट देखे थे कि थ्योरी क्या कहती है, वो वाले पॉइंट्स वो पूछ सकता है। उसके अलावा जो वो पूछ सकता है वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन यूज करके आपको कह सकता है कि एन फाइंड करो, ठीक है, या टी फाइंड करो, ठीक है। उसके अलावा वो किसी कंपाउंड का मास दे के आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है, टेम्परेचर दे के, प्रेशर दे के, वॉल्यूम दे के कहते हैं कि एम आर फाइंड करो। सो उसके लिए आप एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी इक्वेशन यूज करते हैं। हम बहुत अच्छी उसकी एग्जाम्पल देख चुके हैं क्लास में भी, ठीक है। उसके बाद जो है जो फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है वो कुछ ग्राफ्स हैं, बॉयल्स लॉ के, चार्ज लॉ के, ठीक है, वो पूछता नहीं होता, वो वैसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपके। उसके अलावा चेंजेस ऑफ स्टेट, वेपर प्रेशर वगैरह छोटी छोटी बातें हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। इतनी अब स्टेट्स ऑफ मैटर में दो ही मेजर क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, या वो इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है आपके फिजिकल का, केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स में आप देखते हो कि यार दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है, उनको आप किस तरह डिफाइन करते हो, एग्जाम्पल देखते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी इनके बनाते हो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यूजली कभी कभी वो दे देता है कि यार बनाओ, बट वो अब वो मोस्टली ओ लेवल्स में उस तरह देता है, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा इस तरह के बच्चों वाली बातें पूछता नहीं है, ठीक है। अगर वो ए लेवल दोनों से केमिकल एनर्जेटिक्स में से कुछ पूछता है तो वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है। अब किस किस किसकी डेफिनेशन पूछ सकता है यार, वो जो हमने देखी थी 7-8 डेफिनेशन उनमें से किसी की भी पूछ सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी इसकी आएगी ही आएगी, इसकी ये नहीं आती डेफिनेशन, वो किसी की भी पूछ सकता है। वो फॉर्मेशन की भी पूछ सकता है, वो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन की भी पूछ सकता है, रिएक्शन की भी पूछ सकता है, एटमाइजेशन की भी पूछ सकता है, हाइड्रेशन की भी पूछ सकता है, न्यूट्रलाइजेशन की भी पूछ सकता है, सोल्यूशन की भी पूछ सकता है। और वो अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक ट्रिक होती है कि एग्जामिनर अक्सर लिखता है कि डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो हम लिखते हैं कि इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसने लिखा है डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, तो हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ही लिखेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो लिखते हैं ना डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, तब आप एंड में अंडरस्टैंडेड कंडीशंस लाजमी लिखोगे, अगर नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स काट देंगे, ठीक है। और अगर उसने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर और एंड में आप अंडरस्टैंडेड कंडीशंस लिखोगे तब भी मार्क्स काटेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपने थोड़ी सी जरा देखनी होगी वर्डिंग उसकी क्वेश्चन की, कि वो उसने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछा है या खाली एंथैल्पी चेंज ऑफ व्हाटएवर फॉर्मेशन कंबशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हेसेस लॉ आता है, हेसेस लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और के साइकिल बनाओ, ठीक है, ऐसे साइकिल बनाओ, उससे आपने उसका क्वेश्चन बनाना होता है, आंसर फाइंड करना होता है डेल्टा एच का। उसके बाद जो है वो बॉन्ड एनर्जी से आता है, तो बॉन्ड एनर्जी एक से वो बॉन्ड वैल्यू दे देता है और कहता है कि यार बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पूछता है, और बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन में तो मेजोरिटी बच्चे जो है ना वो गलत देखते हैं, तो ये आज सुन लिए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू फॉर्म गैसियस एटम्स। गैसियस मॉलिक्यूल होंगे वही गैसियस एटम्स बनाएंगे, सॉलिड लिक्विड को नहीं करना, ठीक है। फिर वो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज फाइंड करवा देगा उससे। उसके बाद जो है वो आपके पास रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, ठीक है, बिना इस पे स्लाइड पे मैं क्या लिखना भूल गया, रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, इसके बाद रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है जिसमें जो कि बहुत बेहतरीन है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ आपने खेलना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऑक्सीजन इज गेन इन ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आपको रूल्स और फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने समझाई हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेवेंथ चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है आपके पास इक्विलिब्रिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रिया में, इक्विलिब्रिया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एएस एग्जामिनेशन एंड एटू एग्जामिनेशन। इक्विलिब्रिया में सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करो, ठीक है, फिर वो आप वो डिफाइन कर दिया, फिर जो है वो इक्विलिब्रियम लॉज के रिलेटिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई केसी और केपी जो है वो हम एएस में पढ़ते हैं, फिर बाकी जो है वो एटू में आती है, ठीक है।
कि भाई केसी के एपी की वैल्यू कब चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, ठीक है। फिर जो है वो केसी के क्वेश्चंस आते हैं, तीन टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, हम तीनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैं उनकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा क्योंकि बिल्कुल मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ, पूरी सिलेबस की ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो केपी के क्वेश्चन पूछ सकता है, केपी के भी हमने तीन टाइप्स देखे, ठीक है। केसी एंड केपी आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। और मोस्टली मेजोरिटी टाइम क्या होता है कि वो एग्जामिनर जो है वो केपी के क्वेश्चन देता है। वो केपी के क्वेश्चन इसलिए देता है क्योंकि अगर आप केपी थोड़ा सा केसी से टफ है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और अगर आप केपी कर लेते हो तो आप केसी भी कर ही लोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो केपी मेजोरिटी टाइम केपी आ रहा होता है, ठीक है। फिर कुछ इसकी रिलेटिंग इक्वेशंस हैं वो भी आपको आनी चाहिए, जैसे केसी की एक्सप्रेशन कैसे, केसी और केपी की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, भी राइट हैंड साइड को ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिखते हैं। केपी में पार्शियल प्रेशर होता है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉर एग्जाम्पल अगर एच एच टू गैस है, उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू प्रेजेंट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास ली चैटिलियर प्रिंसिपल आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती होती है अक्सर, ठीक है। उसके रिलेटेड फिर आपके पास अगली तीन चीजें आती हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो वो इक्वेशन दे देगा, कहेगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करने से क्या होगा, ठीक है। फिर जो है वो आप पूछ सकता है कि भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, तो प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो इसी तरह टेम्परेचर के साथ भी दे सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से क्या होगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी आती है, जिसमें आप डिफाइन, इसकी भी डेफिनेशन तो बहुत आ जाती होती है कि डिफाइन लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये लिखना होता है एसिड आर प्रोटॉन डोनर, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होती है, देखिए बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। उसकी मेरी इक्वेशंस अक्सर आपको लिखने को वो दे देते हैं, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। अब ये एक टॉपिक जो था वो टाइट्रेशन कर्व्स का आता है इक्विलिब्रियम में, ये पहले जो था वो A2 में था, फिर पहले ये AS में था, फिर A2 में गया, फिर वहां पे ये इसकी इक्विलिब्रिया के चैप्टर के साथ बनी नहीं, दोस्ती नहीं हुई, तो ये वापस AS में आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है टाइट्रेशन कर्व्स का चैप्टर AS में है और ये AS में ही अब आपसे पूछा जाएगा। सो इसके ऊपर थोड़ी सी टाइट्रेशन कर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। वो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखाई थी ग्राफ्स की, कभी किस तरह उस पर ग्राफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो 8th चैप्टर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है रिएक्शन काइनेटिक्स। गैस की रिएक्शन काइनेटिक्स तो बिल्कुल वही बात है जो ओ लेवल्स की रेट ऑफ रिएक्शन है, तो भी फाइव फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, पार्टिकल साइज और कैटलिस्ट, ठीक है। और बस उसी को ही आपने डिफाइन करना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल साइज बढ़ाने से क्या होगा, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कौन सी हैं, वो थोड़ी सी बेसिक ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, जस्ट फॉर डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, बट उसकी ज्यादा डिटेल A2 में आती है, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज टॉपिक आ जाता है आपका इसमें, ठीक है, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ कर्व है, ठीक है। सो ये वो इस तरह है। इसके बाद जो है वो आपके जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके चार चैप्टर्स हैं, पीरियोडिसिटी, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और नाइट्रोजन एंड सल्फर। पीरियोडिसिटी सबसे लंबा चैप्टर और सबसे मुश्किल है, इसमें बेसिकली हम जो है पीरियड 3 एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की जो है ना वो हम देख रहे होंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे होंगे, पैटर्न्स देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपने ये करना है के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं भाई के एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है क्रॉस पीरियड, आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरह के ट्रेंड देखने हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, फिर एकदम सिलिकॉन तक के तो पास आके बिल्कुल जीरो हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ्स देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वही है जो आपकी ऊपर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखी, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, उसमें क्या होता है कि आप रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स देखते हो, किस किस के साथ देखते हो, भी ऑक्सीजन के साथ देखते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसमें आप साथ देखते हो कि भाई ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो फ्लेम कलर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा किस कलर का सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर आप रिएक्शन ऑफ, फिर उसमें
हीट थ्री एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। फिर उस उन ऑक्साइड्स का रिएक्शन आप देखोगे वाटर के साथ, ठीक है। और फिर उसमें आप देखोगे कि भाई जैसे जैसे आप सोडियम सोडियम ऑक्साइड से सल्फर ऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जा रहे हो तो आपकी पीएच जो है वो कम हो रही है, ठीक है। इसमें फिर आप ये देखते हो कि एल्यूमिनियम Al2O3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। ये एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। और SiO2 जो बेसिक सैंड है वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आप इसके इन ऑक्साइड्स के एसिड बेस रिएक्शन देखते हो कि आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो और बेस के साथ। अब सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है तो हम रिएक्ट बेस के साथ तो नहीं करा सकते, एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है तो HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया। Al2O3 जो था वो एम्फोटेरिक था, यानी कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो उसका हमने रिएक्शन दोनों के साथ करा दिया, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर P4O10 है तो P4O10 एसिडिक है, उसका बेस के साथ रिएक्शन करवा। फिर अब पीरियड थ्री एलिमेंट्स के रिएक्शन करवाए जाते हैं वाटर के साथ, और सिर्फ ये जो रिएक्शन है सोडियम और मैग्नीशियम ही करते हैं और कोई नहीं करता, ठीक है। और ये मैग्नीशियम का तो खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली पूछ रहा था कि मैग्नीशियम में एक रिएक्शन वाटर के साथ है और एक रिएक्शन स्टीम के साथ है, और दोनों के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर आप पीरियड थ्री एलिमेंट्स का रिएक्शन करते हो क्लोरीन के साथ, ठीक है, और फिर देखते हो कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन है। फिर आप रिएक्शन करते हो पीरियड थ्री एलिमेंट के क्लोराइड्स का वाटर के साथ, ठीक है। तो पीरियड थ्री पीरियोडिसिटी में ये चीजें जो है वो आप करते हो, ठीक है। जी फिर क्या होता है कि फिर हम ये करते हैं कि अब हम ग्रुप टू की तरफ आते हैं। तो ग्रुप टू में बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप टू में आप ग्रुप टू एलिमेंट्स जितने भी हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनको इनके रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। हम पहले तो इनके ट्रेंड्स देखते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह के ट्रेंड्स देखे जाते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं ग्रुप टू मेटल का वाटर के साथ या स्टीम के साथ, जिसके साथ बोले, ठीक है। फिर हम जो है उनका रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, देखते हैं कि भाई किस कलर की फ्लेम बनी है, ठीक है। लाइक मैग्नीशियम की व्हाइट फ्लेम है, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम दोनों की रेड फ्लेम है, बेरियम की एप्पल ग्रीन फ्लेम होती है, ठीक है। फिर हम इनके रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं। फिर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स देखते हैं। ये तो इक्वेशन बहुत दफा वो पूछ लेता है कि भाई इक्वेशन लिखें, ठीक है। और उसका एक हम देख लेते हैं ट्रेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रुप टू ग्रुप तो बहुत छोटा होता है, उसके बाद ग्रुप 17 जो है वो आपके पास आता है, वो भी काफी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है। सबसे लंबा चैप्टर AS की इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ग्रुप 17 में क्या होता है जी कि ग्रुप 17 में सबसे पहले भी देखते हैं डाउन द ग्रुप, ग्रुप 17 में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। लेकिन हम जो काम करेंगे इस चैप्टर में ग्रुप 17 के एलिमेंट वो सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ है, ठीक है। फ्लोरीन और एस्टेटीन के साथ काम क्यों नहीं किया जाता, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो बिल्कुल एक ग्रुप के बिल्कुल टॉप के ऊपर है और एक ग्रुप के बिल्कुल नीचे है, तो वो सही तरह ग्रुप 17 प्रॉपर्टीज शो शायद ना करे, तो इसलिए हम जो है ना वो बीच के तीन एलिमेंट्स से हम काम करते हैं। हम ट्रेंड्स देखते हैं कि डेप्थ ऑफ कलर की क्या चेंज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी कैसे चेंज हो रही है वो हम देखते हैं। फिर हम इनके रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ और देखते हैं कि भाई रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है। फिर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो इनके देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी। फिर हम जब इनकी रिएक्शन की तरफ आते हैं तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके केमिकल रिएक्शन की तरफ आए। सबसे पहला रिएक्शन का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन विद एल्कली होता है, तो वो NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। अब इस डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब यह है कि इसको डिसप्रोपोर्शनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसके साथ ही रिडक्शन हो रही होती है ऑफ द सेम स्पीशी इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास अगला जो रिएक्शन है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन करवाया जाता है AgCl को यूज किया जाता है, ठीक है। अब AgCl के अंदर NH3 ऐड किया जाता है, ठीक है, और एक लिगेंड सा बनाया जाता है।
लिगेंड के साथ जो है वो एच टू, ठीक है, फिर जो है एच टू एस ओ फोर का रिएक्शन करवाया जाता है किसी हैलाइड आयन के साथ, ठीक है, और फिर एच टू एस ओ फोर इस्तेमाल किया जाता है वो रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन ए सी एल का अगर एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन करवाएं तो वाइट स्टीमिंग फ्यूम्स ऑफ एच सी एल आर फॉर्म, ठीक है। एन ए बी आर का, एन ए बी आर, ठीक है, अगर यूज करने एच टू एस ओ फोर के साथ तो ब्राउन गैस या रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ बी आर टू गैस आर फॉर्म, ठीक है। अगर एच एन ए आई के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्राइड, ये तो बहुत आता है जी, ठीक है। इसकी चार इक्वेशंस थी, ठीक है, पहली 1 NaI, फिर 2 HI, फिर 6 HI, फिर 8 HI, उस तरह इसकी इक्वेशन है, और इसमें पर्पल फ्यूम्स ऑफ I2 गैस आर फॉर्म, ठीक है। अब जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं यार पेपर की, वो आप लोग ये उससे भी पढ़ सकते हो, जो आपकी सिलेबस वाली बुकलेट होती है उसमें भी सारा लिखा होता है कि यार कैंडिडेट शुड बी एबल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और राउंड नंबर्स, प्रोवाइड आंसर्स ऑन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर लिखते हैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स या तो उसमें काफ हुआ है, अगर उसने नहीं कहा तो जितने उसने क्वेश्चन में यूज़ किए हुए हैं उतने ही यूज़ करो, ठीक है, और राउंड ऑफ जो है ना वो आप बिल्कुल एंड में फाइनल आंसर लिखते हुए करो, शुरू में ना लिखो, क्योंकि जब आप करोगे तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी आपको आता है, ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्रेडियंट फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये पेपर 3 में आता होता है, ये चीज़ कभी भूल रहा हूँ, ठीक है, ये डेटा सेक्शन है, ये आपको डेटा बुकलेट में दिया जाता है। अब डेटा बुकलेट नहीं दी जाती तो अब इस किस्म के टेबल जो हैं वो पेपर में ही वो बना देगा, ठीक है, ये वाला एंड में क्वेश्चन पेपर के एंड में ये टेबल बना होगा, इंपॉर्टेंट वैल्यूज कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी भी जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी वहाँ उसने दी भी होगी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी उसने दी भी होंगी उधर ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दी भी होंगी। ये जो है टेबल, ये भी जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल भी वहाँ पे दिया हुआ होगा, और ये पीरियोडिक टेबल तो ऑफ कोर्स दिया ही जाता है हर पेपर में, ठीक है, और ये एंड में लाजमी होगा, ठीक है, पेपर 5 में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फाइनल टिप्स ये हैं कि बेटा ईट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छा खा पी के जाएँ रात को, अच्छा आपने सोना है, ठीक है, और आपने ज़्यादा जागना नहीं है, ऑल नाइटर्स पुल नहीं करना है कि भाई मैं आज पूरी रात रिवाइज करूंगा, एनर्जी रिटेन करें ताकि आप सुबह जब उठें तो आप फ्रेश उठें और आपका माइंड बिल्कुल हाजिर दिमाग हो। उसके बाद आपने जो दूसरा काम है वो घबराना नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं करना, आपने पूरा साल मेहनत किया है, इंशाल्लाह आपको उसकी मेहनत का जो सिला है वो ज़रूर मिलेगा, तो आपने जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बस बाकी मेरी आप सबसे यही दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमने पूरा साल बहुत मेहनत की है, और आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, और आप जो है वो बस दुआ करें, और विश यू बेस्ट ऑफ द लक, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना ए लेवल्स कंप्लीट करके आपने जो आगे ज़िंदगी में करना है वो आप करें, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें, अपने दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों को भी कहें कि भाई ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और हमें Instagram पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।